नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनावी भाषण के दौरान नेताओं की जुबान फिसल रही है। भाषण देते वक्त नेता अपनी मर्यादा को भी ताक पर रख देती है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ डबरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बात बात में कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी। अब बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अमर्यादित बयान के जवाब में कहा कि अगर मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ तो उसमें मेरी क्या गलती। इमरती देवी ने कहा कि अगर मैं दलित समुदाय से आती हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती। उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी जी से अपील करना चाहती हूँ कि वो इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में जगह ना दे। इमरती देवी ने कहा कि अगर एक महिला के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा तो महिलाएं आगे कैसे बढ़ेंगी। मीडिया से बातचीत में इमरती देवी का दर्द साफ झलक रहा था। जी ने बात कही वो आप मीडिया के माध्यम से जब मैं कह रही हूँ तो इसको पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाएं, पूरे मध्य प्रदेश में पहुँचाएं। क्या मेरा कसूर है कि मैं एक गरीब के घर में पैदा हुई हूँ? क्या कसूर है कि मैं गरीब हूँ? मेरा क्या कसूर है कि मैं एक हरिजन एससी हूँ, मैं दलित महिला हूँ और मैं महिला हूँ? अगर गरीब को पैदा होना इतना ही कसूरवार होगा होता है तो शायद मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की क्या मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी एससी दलित की कोई बाहर ही निकले नहीं निकलेगी। और मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे, ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी में ना रखें। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष में निवेदन करना चाहती हूँ एक ऐसी की महिला कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे, चाहे राहुल अजय भैया हो चाहे कमलनाथ जी हो, अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो हमारी महिला कैसे बाहर निकलेंगे? हमारी महिला तो बाहर निकल ही नहीं सकती। दरअसल मध्य प्रदेश के डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मंच से कहा कि सुरेंद्र राजेश हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के सीधे साधे हैं, ये उनके जैसे नहीं है। क्या है उनका नाम? मैं उनका नाम लूं? आप तो उसको मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था, ये क्या आइटम है? सुनिए क्या कहा था कमलनाथ ने। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम? जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था, ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मन आज वेदना से भरा हुआ है। एक महिला जो मजदूर के रूप में संघर्ष करते हुए मंत्री के पद तक पहुंची है, उनके लिए कमलनाथ जी ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो सोमवार को महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे मौन व्रत रखेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री ने जो अपमान किया है उसका प्रायश्चित करेंगे। आज मध्य प्रदेश की एक बेटी का अपमान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जी, ये धरती वो धरती है जहां द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हो गया। हम सब सह सकते हैं, माँ बहन और बेटी का अपमान नहीं सह सकते, और इसलिए कल मैं 10 बजे भोपाल में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के पास 10 से लेकर 12 बजे तक मौन रखूंगा। वो प्रायश्चित क्या करेंगे, जिनने अपमान किया है, मैं भी मुख्यमंत्री हूं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहूंगा, मैं प्रायश्चित करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कमलनाथ की इस टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीब और मजदूर परिवार से आगे आई दलित नेता
इमरती देवी को आइटम और जलेबी कहना काफी निंदनीय और आपत्तिजनक है। ये कमलनाथ जी की मानसिकता को दर्शाता है। जो एक महिला के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, ये कांग्रेस की का सिद्धांत। पहले दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में कहा था कुछ, मुझे याद नहीं, मंदसौर में कुछ महिलाएं ऐसा कुछ कहा था। अब कमलनाथ जी ने कहा इमरती जी के बारे में कि आइटम, अजय सिंह जी कहते हैं जलेबी। ये सोच है महिलाओं के प्रति। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की एक एक महिला को कि अपने मान सम्मान के लिए ऊपर उठकर ऐसे पुरुषों को सबक सिखाना और ऐसे दलों को सबक सिखाना हम लोगों का दायित्व और धर्म बनता है। आपको बता दें इमरती देवी उन पूर्व विधायकों में से एक नेता हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। इमरती देवी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का कट्टर समर्थक माना जाता है। बता दें कि इमरती देवी के सम्मान में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में 2 घंटे के लिए मौन धरना देंगे। इस बीच बीजेपी इमरती देवी पर की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदेश व्यापी मौन धरना करेगी। पार्टी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में धरने का नेतृत्व करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।